नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इस बार आईबीपीएस क्लर्क के मेंस एग्जाम में जो रफ के लिए पेपर दिया गया था, वो एक्चुअली पेपर नहीं दिया गया था बल्कि एक लेमिनेटेड शीट दी गई थी और एक स्केच पेन दिया गया था और उसी से लिखना था, रफ करना था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं उसका एक ट्रायल लूँ, देखूँ कि आखिर वो क्या थी, किस तरीके से लिखना था और क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है उस तरीके के रफ शीट पे। तो चलिए देखिए, ये एक मैं शॉप गया था और वहाँ से मैंने एक A4 साइज का पेपर था उसे लेमिनेट करवाया है। देख लिया आप, अच्छे से देख सकते हो ये लेमिनेट किया हुआ है, देख लो यहाँ पे ये, ठीक है। अंदर में वाइट पेपर है, A4 साइज का, जो फोटो कॉपी करने के लिए, जेरोक्स करने के लिए नॉर्मली पेपर यूज किया जाता है वही पेपर है, ठीक है। और ये एक रफ शीट है, देख सकते हो अच्छे से आप लोग, दोनों साइड में है, बोथ साइड आप इससे रफ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है, आप लोग देख लिए अच्छे से। तो आप लोग भी यही करना कि शॉप में जाना, जेरोक्स के शॉप में, ठीक है, जहाँ पे लेमिनेशन होता हो वहीं पे A4 का पेपर लेना और उसे बोलना कि इसको लेमिनेट कर देने के लिए। मैंने 20 रुपीज़ स्पेंड किए हैं इसके लिए थोड़े खर्चे भी बढ़ गए हैं अब, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे लेमिनेटेड पेपर तो और भी करवाने पड़ेंगे, ठीक है। स्केच पेन भी लेना पड़ेगा साथ ही साथ, और स्केच पेन की लाइफ तो आपको पता है जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो बार बार स्केच पेन भी हमें परचेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस के लिए तो घर पे मॉक टेस्ट देने में इसे ही यूज करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, चलिए अब मैं एक और दिखाता हूँ। मैंने दो करवाए थे, ठीक है, 20 रुपीज़ ईच, यानी कि 40 रुपीज़ मैंने स्पेंड किए हैं इस पर। तो चलो ये देख लो, मैंने इस पर एक पजल सॉल्व किया है, ठीक है, इस पे मैंने एक पजल सॉल्व किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मिटाया नहीं है इसे, ये जो आप लोग देख रहे हो ये एक्चुअली मैं जो हाथ रख रहा था इस तरीके से, मान लो मैंने लिखा इस तरीके से लिखा, तो देख लो यहाँ पे मिटता जा रहा है। अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि यार यहाँ पे मैंने एक्चुअली में लिखा था कुछ या नहीं लिखा था, ये क्या है, ठीक है। थोड़ा सा तो समय ज़रूर इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ी सी आपकी स्पीड भी घट रही है, और इस पे इस तरह के सीट पे स्केच पेन से लिखने में आपने प्रैक्टिस किया है पेन से, पेन और पेपर पे, ठीक है, और आपको अचानक से स्केच पेन मिल जाए तो आपकी स्पीड वैसे ही घट जाएगी। मैंने खुद फील किया इस पजल को सॉल्व करने में, एक्चुअली मुझे समझ में आ रहा था मुझे यहाँ पर ये लिखना है, लेकिन लिखने में मेरी स्पीड घट रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे अभी फेस करनी पड़ी, और मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल में क्या दिक्कत हुई होगी, क्या फेस करना पड़ा होगा। चलिए अब मैं इसे मिटाने की कोशिश करता हूँ, किस क्या मिट पाता है या नहीं मिट पाता है ये हम लोग देखते हैं। तो देख लो, ये एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है, एक्चुअली मैं अपने चश्मे को साफ करने के लिए इसे यूज करता हूँ, और जैसा मुझे पता चला है कि इसी तरह के कपड़े को दिया गया था, जिस तरह से हम लोग जिस तरह के कपड़े से चश्मे को साफ करते हैं उसी तरह के कपड़े को यूज किया गया था। तो चलो वही कपड़े, वही क्लॉथ मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं किस तरीके से मिटता है। देख लो मैं मिटा रहा हूँ, कितना टाइम जा रहा है, ठीक से मिट नहीं रहा है ना। चलो देख सकते हो आप कितनी दिक्कत हो रही है, मैंने बस इस नए लेमिनेटेड सीट पर बस एक पहला पजल सॉल्व किया है, और पहले पजल को सॉल्व करने के बाद आप सीट की सिचुएशन देख सकते हो, क्या सिचुएशन हो रही है सीट की, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है मुझे इसे मिटाने में, ठीक है। और मैं थोड़ा प्रेस कर रहा हूँ, जोर जोर से कर रहा हूँ, ठीक है, तब जाके हो रहा है। चलो अब मैं इस पर फिर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिखा मैंने, जैसे कि A+B लिख दिया, A-B लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, 2x3 लिख दिया, 2x4 लिख दिया, ठीक है। देखो ये तो स्केच पेन भी अब चल नहीं रही है ठीक से, ठीक है, नया स्केच पेन अभी मैं परचेज करके लाया हूँ, अब मैं मिटा रहा हूँ। देख लो बस एक पजल सॉल्व किया और मैंने हल्का कुछ लिखा है, और रफ शीट की आप सिचुएशन देख रहे हो कितने ब्लैक हो चुके हैं। अगर आप अनुमान लगा सकते हो कि इस पे एक पूरा का पूरा रीजनिंग का सेक्शन हमें सॉल्व करना है, ठीक है, एक पूरा का पूरा रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करना है, देख लो सिलोजिज्म मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ये भी ब्लैक थोड़ा सा हो चुका है, तो अब स्केच उतने अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है, ठीक है। देख लो आप क्या दिक्कत हो रही है मुझे, ये नया स्केच है, चलो एक और स्केच मैं लेकर आया था वही यूज करके देखता हूँ, ये एक दूसरा स्केच पेन है इससे मैं ट्राई करके देखता हूँ, चलो ये थोड़ा बेहतर लिखा जा रहा है इससे, ठीक है।
कुछ भी कर रहा हूँ मैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, अब मिटाता हूँ। देखो मिट नहीं रहा है, मिट नहीं रहा है बिल्कुल भी, आप देख सकते हो अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा प्रेस करके करता हूँ, जोर से कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा जोर से कर रहा हूँ, जोर से करने के बाद भी आप सीट की सिचुएशन देख सकते हो। आप अनुमान लगा लो कि रीडिंग का पूरा सेक्शन सॉल्व करने के बाद इसी सीट पे दूसरा सीट आपको नहीं मिलेगा, एक ही सीट मिल रहा है, दूसरे सीट की डिमांड करने पर भी नहीं मिल रही है, ठीक है? अब दूसरे साइड भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? दोनों साइड है। अब रीजनिंग का सेक्शन खत्म होने के बाद फिर मैथ का सेक्शन आता है। आप लोगों को पता है मैथ के सेक्शन में हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही करना पड़ता है। जैसे नंबर सीरीज आया, नंबर सीरीज में आप लोग जब तक इसको लिखोगे नहीं तब तक सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है? मैं कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है? अब मैं रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे कि मान लो सॉल्व हो रहा है कुछ भी, ठीक है? कुछ भी कर रहा हूँ, इसे आप ये मत समझना कि मैं एक्चुअल क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? चलो मेरा मान लो कि आंसर कुछ भी आ गया, ये आ गया मेरा आंसर, मिटाया मैंने, देख लो मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेस भी करके मिटा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जोर लगा रहा हूँ, फिर भी देख लो मिट नहीं रहा है ठीक से, और प्रेस किया। अब मतलब आप लोग अपना टाइम पूरा मिटाने पर ही दो, हल्का सा मिट टाइम हल्का सा करके देखो नहीं मिट रहा है, थोड़ा सा जोर से करके देखो, मतलब आपकी पूरी पूरा कंसंट्रेशन तो यार मिटाने पे जा रहा है। आप क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे, मिटाते ही रह जाओगे, पूरा कंसंट्रेशन आप मिटाने पर ही दे रहे हो, ठीक है? और लिखना है मिटाना है, लिखना है मिटाना है, इसी पे कंसंट्रेशन जा रहा है, क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा यार, समझ में नहीं आ रहा है आईबीपीएस ने ऐसा क्यों किया अचानक से, वो भी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। यार नोटिस तो एटलीस्ट दे देते जिससे कि हम प्रिपेयर हो सकते थे, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए गए वो पहले से प्रिपेयर होकर जा सकते थे मॉक टेस्ट में ऐसी चीज़ें करके, लेकिन नहीं। सोच सकते हो आप कि जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा उन्हें कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है? एक नया लेमिनेटेड सीट में ले लेता हूँ, चलो ये एक नया है, मैंने दो करवाया था मैंने आपको बताया है, ठीक है? ये एक नया है, ठीक, देख सकते हो आप लोग, इस पर हम लोग लिखते हैं कुछ भी, जैसे कि आप पजल सॉल्व करोगे तो नीचे में कुछ भी कंडीशंस दोगे, ठीक है? कुछ भी कंडीशंस दोगे, ठीक है? कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से आप लोग कुछ भी करोगे, इस तरीके से कंडीशंस दोगे। चलो अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लो यहाँ पे मिट गया है हल्का सा, ठीक है? यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लो मिट रहा है हल्का सा, ठीक है? अब मैं इस कंडीशन को देख कर यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा कुछ भी, ठीक है? देख लो, समझ में नहीं आएगा मुझे कि यार मैंने यहाँ पे लिखा क्या था, ये चीज़ें हो रही थी इस बार एग्जाम में। हाँ अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे हाथ ना पड़े और ये चीज़ें ना मिटे, तो ये चीज़ अब हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके इस पे आदत बना सकते हैं, लेकिन अचानक से दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। देखो यार मिट नहीं रहा है, देखो मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आप समझ के चलो कि आप पूरा टाइम अपना मिटाने पे दे रहे हो। देख लो पहली बार नया रफ शीट था, ठीक है? नया शीट था, नए शीट पे मैं पहली बार हल्का थोड़ा सा ही लिखा हूँ और तब मिटा रहा हूँ, देख लो मिट नहीं रहा है। अब इस पे ही मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है? जोर से मिटाऊंगा, थोड़ा सा प्रेस करके, थोड़ा सा प्रेस किया है मैंने, फिर भी देख लो नहीं मिट रहा है अच्छे से। तो यही था, मैं आप लोगों के साथ मैं यही शेयर करना चाह रहा था दोस्तों, मैंने भी ट्रायल किया तो सोचा आप लोगों के साथ इसे ट्रायल करूं, ताकि आप लोगों को भी एक अनुमान लग सके कि क्या चीज़ है, आईबीपीएस ने क्या चेंजेस किए हैं और लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इस एग्ज़ाम को फेस करने में। और पहली बार दिया जा रहा था, लोगों को आदत थी पेन और पेपर पे रफ करने की, और अचानक से स्केच पेन मिल जा रहा है और स्केच पेन पे आपकी स्पीड भी थोड़ी सी घट रही है और मिट भी नहीं रहा है, आपका कंसंट्रेशन मिटाने पर ही जा रहा है। और रीडिंग का एक पूरा सेक्शन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैथ का सेक्शन आया, तब तक रफ शीट की स्थिति ये हो चुकी थी कि ये पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका था। अब इस पे आप कुछ लिख भी रहे हो तो पता नहीं चल रहा है कि क्या लिख रहे हैं हम, अपनी हैंडराइटिंग भी पता नहीं चल रही थी लोगों को ऐसे में। दोस्तों बस इस वीडियो में मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ आईबीपीएस को भी कि उनके नए एक्सपेरिमेंट से हमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट्स करना है आप कीजिए, आप अच्छी बात है पेपर बचाना चाहते हो, ग्रीन इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हो, हम भी करेंगे, लेकिन हम स्टूडेंट्स का एक राइट है, एक हक है कि आप जो भी इस तरीके के चेंजेस करो हमें एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो, एक नोटिस दे देनी चाहिए आईबीपीएस को अपने वेबसाइट पे, ताकि स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर रहें, माइंड सेट रहे उनका, और घर पे मॉक टेस्ट देते टाइम इस तरीके की चीज़ों को प्रैक्टिस कर लें, ताकि उनको अचानक से इस तरीके की दिक्कतें फेस ना करनी पड़े।
तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट्स करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस हमारा एक हक है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हमें एक नोटिस तो दे देनी चाहिए आपको ताकि हम प्रिपेयर रह सकें इस चीज़ों के लिए। तो बस यही कहना था मेरा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, इस वीडियो में बस यही था, तब तक के लिए धन्यवाद।